हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 एट एरिस। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अभी जस्ट लंच किया है नहा के, एंड अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा सा भूल गई थी ब्लॉग स्टार्ट करना, तो जो भी है। और अभी वेदर, मुंबई का वेदर, मतलब थाने का वेदर थोड़ा ऐसा हो गया है, कभी बारिश कभी धूप। तो 2-3 दिन से अभी बहुत गर्मी चालू हो गई है, मतलब संडे से थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। अभी तो पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ बाहर बहुत धूप है एंड गर्मी भी फिर से स्टार्ट हो गई है। जैसे कि पता है कि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, तो यार आज सुबह सुबह गिफ्ट मिल गया, मम्मी ने भेजा है ये। मम्मी बोल रही थी और भी कुछ गिफ्ट्स है, मतलब और भी सब आ रहे हैं कुछ गिफ्ट्स, तो एक एक करके मिल रहा है। पहला गिफ्ट यही मिला है, ये एक वॉच आया है, दिखाती हूँ। तो क्या एक गिफ्ट मिल गया, पहला गिफ्ट मम्मी ने भेजा है, एंड सेकेंड गिफ्ट भी मम्मी भेज रही है। एंड उस तरफ से वो वाले मम्मी भी, मतलब सरित के मम्मी भी, अब आज कॉल करके मुझे पूछ रही थी क्या चाहिए तुझे। मैं बोला अभी कुछ ही नहीं चाहिए, आप लोग आशीर्वाद दो। सेम चीज़ मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन पता है मुझे भी गिफ्ट तो मिलेगा। लेकिन हाँ, वो भी बोल रहे हैं कि इस हफ्ते में गिफ्ट लेना है, जो तुझे लेना है तू ले ले। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या ही दूँ। पूजा भी आ रहा है तो ड्रेस ही ले ली दूँ, ऐसे मैं लालची नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गिफ्ट्स मिलने में सबको मज़ा आता है ना। तो या मैं वही सोच रही हूँ, ज़्यादा महंगा कुछ नहीं लूँगी कुछ, क्योंकि आजकल मैं शूट करती हूँ तो मुझे वैसे भी, मतलब ब्रांड्स का शूट करने के टाइम पे तो मिल ही जाता है सब कुछ, मुझे ऑर्डर करना ही पता है, मुझे बहुत शॉपिंग करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर मैं ड्रेस वगैरह कुछ ले लूँगी, तो पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, एंड उससे पहले गणेश पूजा भी आ रहा है, गणेश चतुर्थी, तो उस टाइम पे भी पहन सकती हूँ। तो वही मैं सोचती हूँ, मैं ड्रेस वगैरह ही कुछ ले लेती हूँ, साड़ी ड्रेस वगैरह। साड़ी तो एक नया पड़ा हुआ है जो अभी ठीक मुझे करवाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब शूट्स के लिए मैं अलग से कपड़ा खरीद लेती हूँ, मतलब शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन अलग से पूजा वगैरह के लिए, या फेस्टिवल है कुछ या कुछ इवेंट्स है, तो उसके लिए मैं नहीं लेती हूँ। मतलब जो मेरे पास है वही मैं पहन लेती हूँ, मैं अलग से उसके लिए मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो वही अब से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे फेस्टिवल में भी शॉपिंग करना चाहिए, सिर्फ शूट्स के लिए नहीं। एंड अभी मैंने सुबह से थोड़ा रेस्ट तो कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा बॉडी पेन था, तो मैंने रेस्ट थोड़ा ले लिया है, रेस्ट ले लेके काम कर रही थी। एंड अभी सोच रही हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं शूट स्टार्ट कर देती हूँ। गर्मी थोड़ा लग रहा है, लेकिन क्या ही करे, अभी शूट काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो काम ही होता है, तो काम करना ही पड़ेगा। मेरा बाल ना थोड़ा सा अनहेल्दी दिख रहा है, तो मैं सोच रही थी बर्थडे से पहले कुछ खुद को थोड़ा पैम्पर करूँ। अभी सोचते हैं, देखते हैं, सैटरडे संडे करके देखते हैं, उसके बाद तो नहीं होगा, उसके बाद ही बर्थडे आएगा। तो बर्थडे में अभी तक तो टाइम है 10 दिन, तो या अभी देखते हैं। तो मैं एक वीडियो एडिट कर रही थी, एंड तरित का कॉल आया। तरित कॉल करके बोलता है, फ्रूट्स अगर नहीं लिया तो पिटाई होगी। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ना हफ्ते में एक दिन बहुत सामान मंगवा लेते हैं, मतलब वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मंगवा लेते हैं। एंड फ्रूट्स हमने लास्ट लिया था 2 हफ्ते पहले शायद, एंड मैं नहीं खा रही हूँ। तरित को मैं कभी कभी टिफ़िन में भर देती हूँ, बैग में डाल देती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ। तो बहुत पहले से रखा हुआ है, एक तो ऑरेंज तो एक ही रखा हुआ है, वो 1 महीने के ऊपर हो गया है, अभी तक वैसे का वैसा ही है, मतलब कुछ काला भी नहीं पड़ा, एकदम लग रहा है अभी पेड़ से तोड़ के रहे हैं। तो वही, मतलब अनार थोड़ा सा था, एक ही था, तो वो मैंने अभी छिलका निकाल लिया है, तो अभी खा लूँगी, क्योंकि तरीर नहीं तो बहुत डांटेगा मुझे। कल भी मुझे बहुत डांट रहा था कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो दोपहर में। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, इस टाइम पे फ्रूट खाना है और मैं भूल जाती हूँ, और जब याद आता है ना उस टाइम पे वो टाइम नहीं रहता है खाने का। तो वही अब मैं फ्रूट लेती हूँ, और बाहर बहुत धूप है, दिखाती हूँ, देखो।
देखो बाहर कितना ज़्यादा धूप है, पता नहीं कैमरे पे इतना दिख रहा है, कोई आया है शायद, देखती हूँ। आज बहुत दिन बाद ना इस टाइम पे वेदर बहुत मस्त हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार नीचे घूम के आती हूँ। बहुत दिनों से मैं नीचे भी नहीं गई, मतलब ऐसे वॉक तो कर लेती हूँ, लेकिन नीचे सबके साथ बैठ के गप्पे मारना वो सब नहीं हुआ। गप्पे तो मैं नहीं मार पाऊँगी अभी, क्योंकि तरीत कुछ ही टाइम बाद आ जाएगा, फिर मुझे भी थोड़ा काम है तो वो सब करना पड़ेगा। तो आज मैं अभी जाती हूँ थोड़ा नीचे, देखते कोई है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा राउंड मार के चले आएंगे। तो चलो चलते हैं। मैं ऊपर आ गई और मेरा दो पार्सल भी आया है, वही जो मैं बोल रही थी मम्मी भेज रही है, उनमें से एक मेरा भी पार्सल आया है, वो तरीक के लिए मैंने ऑर्डर किया था, एक फेस स्क्रब आया है, तो वही दिखाती हूँ। मम्मी वाला गिफ्ट भी मैं दिखाती हूँ, रुको मम्मी वाला गिफ्ट भी दिखा देती हूँ। नहीं तो मैं पहले ये वाला गिफ्ट नहीं, ये तरीक के लिए मैंने एक फेस का स्क्रब ऑर्डर किया था, वो मैं दिखाती हूँ। तो ये वाला स्क्रब मैंने पहले भी आप लोगों का क्या हो रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये इसका रिव्यू भी मैंने बहुत बार शेयर किया है, अभी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। एंड अभी तो 15 अगस्त का वो डील भी चल रहा है, तो आपको क्या कितना है क्वान्टिटी, वेट क्वान्टिटी किधर है, ओके 5 ओके। जब मैंने ऑर्डर किया था उस टाइम पे 300 ml दिखा रहा था, अभी इधर दिखा रहा है 592 ml प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, 225 प्राइस लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन से लोगे ना, अमेजोन में भी डील चल रहा है, फ्लिपकार्ट में भी डील चल रहा है, आपको 200 के आसपास मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हो, बहुत दिन चल जाएगा, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा फेस स्क्रब। एंड ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फेस पे ही अप्लाई कर सकते हो, आप फुल बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। D10 है एंड ये क्लेम भी करता है कि ये D10 है। तो और नेक्स्ट चीज़ जो है मेरा बर्थडे गिफ्ट, वो मैं दिखा दी हूँ, ये देखो एक हैंड बैग आया है, ये बैग मम्मी ने गिफ्ट किया है, सुंदर है, बहुत बहुत पसंद आया मम्मी, बहुत सुंदर है, खूब सुंदर हुई है माँ, बंगाली में बोल रही, खूब सुंदर हुई है खूब। तो यहाँ यही सब आया है और अभी कुछ नहीं आया है, अभी मैं तैत के लिए कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाऊंगी, मतलब स्नैक्स मतलब कुछ हेवी रखना है, क्योंकि तरीत को थोड़ा ज़्यादा भूख लग जाता है ऑफिस से आने के टाइम पे, एंड मुझे भी ट्रस्ट अभी लगा है थोड़ा भूख, क्योंकि मैंने आज चाय नहीं पिया है, तो वैसे क्या होता है ना, मैं चाय के साथ बिस्किट विस्किट कुछ खा लेती हूँ, आज मैंने फ्रूट्स लिया लेट में, उसके बाद मैंने थोड़ा लिटिल हार्ट्स का पैकेट आता है ना, वो मैंने थोड़ा ठूस लिया, तो वही अभी सोच रही हूँ थोड़ा पास्ता बनाऊँगी, एंड उसके बाद डिनर का भी प्रिपरेशन करना है, तो वो सब कर लेती हूँ। एंड आज मैंने फिर से इंस्टा का कुछ काम नहीं किया, वो भी कर लूँगी, बट पता नहीं, अभी पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगता है, तो चलो करते हैं। तो अभी तरीत आ गया है और आरती भी तरीत ने आके किया है, पास्ता बना रही थी, वो मैंने क्लिप लेना भूल गई मैं, और इधर चिकन लाया है तरीत, वो चिकन बना रही हूँ, एकदम हेल्दी वे में बना रही हूँ, मतलब थोड़ा बॉयल करके बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला वसाला डाल के नहीं, क्योंकि फिर से पता है इधर गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो या थोड़ा लाइट खाने का मन कर रहा है, तो हेल्दी भी हो जाएगा लाइट भी हो जाएगा, तो बना लेती हूँ फटाफट, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद मैं डिनर करके क्लिप लेना भूल गई, एंड या अगर ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।